हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में पे लेटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है माई मनी के अंदर, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फोन पे एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया। अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है अपना टिकट। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है व्यू टिकट का ऑप्शन एक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, इसमें मेरा बहुत सारे टिकट्स हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी टिकट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको कोई भी टिकट सेलेक्ट करके आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सपोर्ट फ़ोन पे। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सपोर्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फ़ोन पे का रजिस्टर नंबर इसमें डालना होता है। तो मैं यहाँ से फटाफट रजिस्टर नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद OTP डाल के आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सिंपली यहां से कोई भी क्वेरी सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमारा है जो अदर इशू है, हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला इशू है, तो हम इसमें अदर इशू में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां से आपको लिखना है आपका जो भी ऑप्शन है। तो यहां से आपको लिखना है प्लीज़ एनेबल, प्लीज़ गिव मी फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन इन माई फोन पे एप्लीकेशन। ये लिख के आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। वो स्क्रीनशॉट जो है आपका माई मनी पे चले जाना है। माई मनी वाला ऑप्शन पे, उसमें आपको शो नहीं कर रहा है फ्लिपकार्ट वाला पे लेटर का ऑप्शन, तो वहीं का आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको इसमें अटैच फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेंड कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ये सब मेरा आ चुका है। तो मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ। तो दोस्तों, बैक ले लेने के बाद में आपको 15-20 दिन वेट करना होता है इसमें। या अगर आप फ़ोनपे कस्टमर केयर को कॉल करके इस क्वेरी के बारे में पूछ सकते हैं कि जो क्वेरी है मेरा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर फ़ोनपे कस्टमर केयर को आपको बोलना होता है कि जो है मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन एनेबल कर दीजिए, तो आपका 15-20 दिन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे माई मनी का ऑप्शन, मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, पहले शो नहीं कर रहा था। तो यहीं से आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको उसमें अटैच करना होता है फाइल को। तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो जैसे ही आपके फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं देता है तो फ्लिपकार्ट पे चले जाइए और कोई भी ऑर्डर आप कर दीजिए, यानी कोई भी सामान एक ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के 2 दिन के बाद आपके सामने एप्लीकेशन, ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन है, आपके फ़ोन पे में आ जाता है। तो इस तरह से भी आप एनेबल कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से लिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। लिंक नाउ पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने एक OTP आता है और OTP को सिंपली यहाँ से वेरीफाई करना होता है। तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अभी मेरे फ्लिपकार्ट वाले पे लेटर ऑप्शन में यहाँ पे मेरा इतना बैलेंस अभी शो कर रहा है। तो सिंपली आपको जब ये लिंक हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से बैक ले लेना है, तो आपका लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन ला सकते हैं। मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ कि इस तरह से मेरा जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आता रहता है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।